हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आर्ट एजुकेशन क्लासेस केंद्रीय विद्यालय खगौल। मैं जितेंद्र कुमार और आप मेरे साथ सीख रहे हैं हाउ टू पेंट वाटर कलर, स्टिल लाइफ को वाटर कलर में कैसे पेंट करते हैं। सबसे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक बटन पर क्लिक करें, और अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। स्टिल लाइफ को वाटर कलर में कैसे पेंट करते हैं, मैं यहाँ स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। ये मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग ड्राइंग के बाद वाटर कलर में बेसिक कलर जो सबसे लाइट कलर है उसको मैंने फर्स्ट टोन में, फर्स्ट लेयर में मैंने पूरे ऑब्जेक्ट और बैकग्राउंड में फिल कर दिया अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट सामने दिख रहा है। पहले लेयर फिल करने के बाद थोड़ा वेट करते हैं ताकि हमारा पूरा पेपर ड्राई हो जाए, थोड़ी सी नमी होनी चाहिए, पर तब तक कि हमारा फिंगर से टच करने के बाद कलर हमारे फिंगर में टच नहीं हो रहा। अकॉर्डिंग लाइट एंड शेड ऑब्जेक्ट के अनुसार से फिर उसके अंदर कलर फिल करते हैं। अब मैं उसके सेकंड टोन की ओर जा रहा हूँ आगे। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट के अंदर लाइट एंड डार्क दिख रहा है, जस्ट सेम टेक्निक जो पेंसिल शेडिंग में आप यूज करते हैं उसको यहाँ कलर पे भी अप्लाई करना है। और जैसा ऑब्जेक्ट दिख रहा है, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि सामने मेरा ऑब्जेक्ट पूरा डार्क ऑब्जेक्ट है, सिरामिक का एक पॉट रखा हुआ है, अब और वो ब्लू कलर का पॉट है, लाइट आ रहा है, तो जिसके कारण अब हम अकॉर्डिंग लाइट डार्क जिधर से लाइट की सोर्स है मैंने वहाँ येलो कलर यूज किया। अब बैकग्राउंड में डार्क कलर कर रहा हूँ ताकि हमारा सब्जेक्ट बाहर निकल सके, दिख सके। कंप्लीट बैकग्राउंड में कलर फिल करने के बाद अब मैं क्या करता हूँ कि सब्जेक्ट और बैकग्राउंड को एक साथ मर्ज कर दिया ताकि जो विजुअली इंपैक्ट आए कलर का वो बहुत इंटरेस्टिंग दिखनी चाहिए। आप एक बार ट्राई करें, रियली बहुत इंटरेस्टिंग होता है। और टेक्निक्स सभी के करने के स्टाइल अलग होते हैं, काम करने के तरीके अलग होते हैं। ये मैं अपने टेक्निक के हिसाब से इस पे कलर अप्लाई कर रहा था। अब मैं पूरा कंप्लीट बैकग्राउंड को डार्क कर दिया, और चूंकि सब्जेक्ट को अच्छा दिखने के लिए अब मैं वापस उसको कलर जो उसके ऊपर फिल हो गया था उसको कॉटन से लेकर मैंने उसके ऊपर के पानी को हटाया है। अब एक्चुअल जो कलर सब्जेक्ट के अंदर दिख रहा है अब वापस इस पे फाइनल कलर भर रहा हूँ। जैसे कि हमारा सिरेमिक में लाइट डार्क है, चूंकि जिधर से लाइट का सोर्स आ रहा है तो हमने उसको लाइट पार्ट को ब्लू पार्ट है, जहाँ से उसका डार्क पार्ट है तो उसमें डार्क कलर फिल कर दिया। अब फाइनली अब उसके हम फाइनल टोन की ओर जा रहे हैं, जैसे थर्ड टोन करते हैं। मैंने पहले कलर में इसलिए लाइट किया था ताकि ये वाटर कलर ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है तो नीचे की कलर और ब्राइट कलर दिखे और उसमें कलर की चार्मिंग अच्छी हो। लगभग मैंने इस पूरे बैकग्राउंड के साथ और सब्जेक्ट को फाइनल इस पे जैसा सब्जेक्ट में दिख रहा है उसके अंदर टेक्चर्स हैं, उसके ऑर्नामेंटल डिजाइंस हैं, सो रियली लुकिंग ब्यूटीफुल। जब आप खुद उस वाटर कलर में या जब आप पेंट करते हैं तो उसका ऑर्नामेंटल जो चीज़ें दिख रही है आप जितना रियल उसके अप्रोच को पकड़ पाएंगे, उसके टेक्चर्स को, उसके ऑर्नामेंट डिज़ाइन को, वो बिल्कुल ही नेचुरल और रियलिस्टिक दिखेगा।
हमारा पूरा स्टिल लाइफ कंप्लीट हो गया है। अब लगभग ऑलमोस्ट बैकग्राउंड और सब्जेक्ट में कलर कर दिया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आपने लास्ट तक इस वीडियो को देखा।